इफ वी ऐड 9 ऑड नंबर्स देन वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ 9। ऑब्वियसली वो 9 ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1 प्लस 3 प्लस थ्री प्लस 5 फाइव देन सेवन 9 देन 9 कितने, नाइन 1 2 3 4 5 5 हुए हैं यहाँ पे, 9 के बाद 11 देन इलेवन 13 थर्टीन देन, फिफ्टीन तो ये सारी चीजों से आपको एक लाइन समझ में आई यहाँ पे। एक और प्रॉपर्टी, टू गेट द स्क्वायर ऑफ 9 वी हैव टू ऐड हाउ मेनी ऑड नंबर्स, फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, नंबर्स इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 1 प्लस 3, व्हाई अदर्स आर नॉट स्पीकिंग, आदित्य तलाल पूर्वांश अदर्स आर ऑल्सो देयर, देन हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट राइट नाउ, अराउंड 32 स्टूडेंट्स आर देयर, व्हाई अदर्स आर नॉट, दृष्टि फुलवानी, देन गरिमा ठाकुर इज स्पीकिंग, दिया दिया इज नॉट स्पीकिंग, देन गौरी सिकरवार, लवीना कटारिया, आईडी कुशल बारोड नॉट स्पीकिंग, आदित्य दलाल नॉट, निखिल इंदौरी नॉट स्पीकिंग, देन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग, सौम्य नाटानी, सैयद नाशिद, हु इज द ऑनलाइन फ्रॉम दिस आईडी, सरिता राय कुमार आईडी, अनन्या, अनन्या आई थिंक, यस अनन्या यू आर ऑनलाइन, टर्न ऑन योर माइक्रोफोन अनन्या, बेटा सर, यू आर ऑल्सो नॉट स्पीकिंग एट ऑल, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन नाउ एवरीवन, गिव द आंसर्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इफ वी ऐड पर्टिकुलर ऑड नंबर्स सो हम उसका स्क्वायर हमें मिल सकता है, नोट इट डाउन, नोट डाउन दिस थिंग। नाउ वील बी सीइंग द पैटर्न्स, अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, अभी हमने देखा था व्हाट वी हैड सीन, वी हैव सीन द डिफरेंस ऑफ दीज स्क्वायर्स। ओके, अब हम सम देखेंगे कि सम किस तरीके से हम लोग, देन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन 4 प्लस 5, 3 स्क्वायर माइनस 1 इज 4, देन 3 स्क्वायर प्लस 1 इज 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न्स में बताया गया है कि किस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, राइट नाउ वील बी मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरा पैटर्न्स पे सॉल्व किया गया है। व्हाट वी कैन सी हियर, ए स्क्वायर माइनस वन इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, अगर वी आर हैविंग, इफ वी आर हैविंग अ इवन नंबर 2, ओके, देन द नेक्स्ट इवन नंबर विल बी, इसके बाद वाला इवन नंबर कौन सा होगा जल्दी बताइए, 2 के बाद फोर ऑब्वियसली 4, 2 के बाद 4 फोर होगा। अब वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 टू जा 8, ओके, 4 टू जा कितना हो जाएगा, एट ओके, सो हियर वी कैन फाइंड इट लाइक दिस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट पैटर्न्स, अब हम कुछ एक पैटर्न्स देखेंगे यहाँ पे। पैटर्न्स में हमें देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर आपको दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन 11 स्क्वायर, 121, देन 111 स्क्वायर, 12321, देन 1 मोर 1 इज इंक्रीज, देन दिस विल बी द थिंग। तो इसमें एक पैटर्न हमको नोटिस करना सीखना है। सबसे पहले आप पैटर्न में क्या देख रहे हैं, पैटर्न में देख रहे हैं कि पहले 1 था, फिर सेंटर में ये जो है ये कहाँ तक गया, 2 तक गया और रिपीट हो गया, देन उसके बाद देखेंगे 1 2 3 तक गया और फिर रिपीट हो गया, फिर 1 2 3 4 तक गया फिर रिपीट हो गया 3 2 1, फिर उसके बाद कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 तक गया फिर रिपीट हो गया 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गया फिर रिपीट हो गया 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जितनी बार 1 बन रहा है, देखिए 1 1 है तो सिर्फ 1 तक गया, 2 1 है तो 2 तक,
टू तक गया और रिपीट हो गया, थ्री वन है तो थ्री तक गया और रिपीट हो गया, यहाँ पे फोर टाइम्स वन है तो फोर तक गया और रिपीट हो गया। अब मुझे आप इस पैटर्न के हिसाब से बताएंगे ये कितने वन है इसमें बताइए। सेवन। तो ये कहाँ तक जाएगा? सेवन तक जाएगा और रिपीट हो जाएगा, मतलब पैटर्न कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फोर सिक्स सेवन सेवन, और अब क्या लिखूं जल्दी बताइए। स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आप ऐसे इस पैटर्न के थ्रू स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मुझे ट्रिपल वन का स्क्वायर, इसे भी नोट डाउन करेंगे। अब ट्रिपल वन का अगर स्क्वायर निकालने के लिए किसी ने दे दिया तो क्या मैं ट्रिपल वन को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रिपल वन है मतलब कहाँ तक जाएगा, थ्री तक, वन टू थ्री देन टू वन, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आया आपको समझ में? इज इट क्लियर? ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स होते हैं, देर आर मेनी ऑफ द पैटर्न्स लाइक दीज, सो वी कैन फॉलो दीज पैटर्न्स, we can follow these pattern and make our work easy because of these patterns. One more thing, let's see another interesting pattern. 7 square is 49, then agar humne 1 6 increase kar diya to yahan pe dekhiye 1 6 is increase kiya to yahan pe 4 1 increase ho gaya aur 9 ke baad ek aur decreasing wala number 8 yahan pe aa gaya, fir ek aur 6 increase kar diya to kya hua, ek 4 bhi increase ho gaya aur ek 8 भी इंक्रीज हो गया, एक और 6 इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, एक और 4 इंक्रीज हो गया और एक और 8 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे एक और 6 इंक्रीज कर दिया तो एक और 4 इंक्रीज हुआ और एक और 8 इंक्रीज हो गया। तो आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं, जल्दी बताइए एक और 6 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी, क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा आर एच एस में? सर आर एच एस में 8 और एक और 4, एक 4 इंक्रीज हो जाएगा और एक एक 8 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे देखिए 6 बड़ा था तो क्या इंक्रीज हो गया था, एक 4 और एक 8, फिर उसके बाद हमारा वापस से 6 इंक्रीज हुआ तो एक क्या क्या इंक्रीज हो गया, एक 4 और एक 8, फिर एक 6 इंक्रीज हुआ क्या इंक्रीज हो गया, एक 4 और एक 8। Is it clear? Yes, sir. तो ऐसे आगे हमको कई सारे patterns देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके के patterns देखने को मिल सकते हैं। Now it will be, जब हम लोग देखिए, now I will tell you why, what is the reason why we always tell you to read the book. अब जब book से हम आगे पढ़ते हुए आ रहे हैं, directly exercise में नहीं आए, तो अब देखिए हमारी exercise कितनी easy हो जाती है, otherwise आपको हमेशा problems आती है exercises सॉल्व करने के लिए। अब जिस भी किसी ने, अगर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है, इफ यू हैव स्टडीड द थ्योरी पार्ट वेरी वेल, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द एक्सरसाइजेस। सबसे पहले बताइए द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यूनिट डिजिट पूछी है, अगर इनका स्क्वायर करें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट को, अगर वन है तो आखिरी में वन वन का करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, जल्दी बताइए। इधर टू टू सा करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, फोर। इधर वन एट, इधर 99 से 81 तो यूनिट डिजिट वन, देन हियर नाइन, हियर सिक्स, हियर नाइन, हियर फोर ओके, सो ऑल दीज थिंग्स। अब आप बताइए कि अगर आपने यहाँ पे अपने आप ये कोशिश करी है कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने की कोशिश करी है, तो इट इज